वेलकम बैक। आज जो हमें टॉपिक पढ़ना है बहुत ही आसान टॉपिक है और बहुत ही अच्छा टॉपिक है जो आपके सिलेबस में अलग से मेंशन है। उसका नाम है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। हमने अभी तक पढ़ा कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में हमने ये चीज पढ़ा कि पहले तो ये तभी मिलेगा अगर डीड में लिखा होगा। अगर डीड में लिखा है तभी मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। अगर डीड में नहीं लिखा है तो बिल्कुल नहीं मिलेगा। दूसरी चीज जो आपको याद रखनी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में, ये तभी मिलेगा इफ वी हैव प्रॉफिट्स। ये बात आप याद रखो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो, सैलरी हो, रेम्यूनरेशन हो, बोनस हो, कमीशन हो, ये पार्टनर को तभी मिलेगा जब प्रॉफिट होगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा, देन ऑन ही मिलेगा। बट इसकी एक्सेप्शन है, इसकी एक्सेप्शन ये है इफ पार्टनर्स स्पेसिफिकली, आप चाहो तो इसको नोट कर सकते हो, मेंशन इन द डीड दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज कंसिडर्ड एज ए चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट। ये किसी बुक में आपको ऐसे नहीं मिलेगा, मैं बहुत अपनी लैंग्वेज में, सरल लैंग्वेज में लिख रहा हूं, आप बस नोट कर देना। तीसरी बात आपको जो याद रखनी है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी कैलकुलेटेड ऑन द एवरेज कैपिटल ड्यूरिंग द ईयर। अभी आप नोट करो खाली जो मैं लिख रहा हूं। अनलेस अदरवाइज स्पेसिफाइड डिफरेंटली इन द डीड ओब्लिक क्वेश्चन। आप सिर्फ नोट कर लो फिर हम डिस्कस करते हैं। फॉर्मूला फॉर कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम। ये चीज आपने सिक्स या फिफ्थ क्लास में पढ़ी थी कि इंटरेस्ट अगर आपको कैलकुलेट करना था सिंपल इंटरेस्ट, तो फॉर्मूला होता था प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम। अब देखो मैंने क्या लिखा है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने पढ़ा था, पहले इसका लॉजिक देखेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनरशिप में आ रहा था, मैंने आपको बोला था प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने का कोई लॉजिक नहीं बनता है। क्यों पार्ट प्रॉपर्टनरशिप में लॉजिक क्यों नहीं बन रहा था? बिकॉज अगर आप ओनर को जो उसने कैपिटल लगाई है इंटरेस्ट दोगे, सपोज 5 लाख रुपया ओनर ने कैपिटल लगाई और आप बोलोगे 10% इंटरेस्ट दोगे, कितना होगा? 50,000। तो ये इंटरेस्ट की एंट्री क्या हो जाएगी? प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो इससे प्रॉफिट आपका कम हो जाएगा और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आप ट्रांसफर करोगे ओनर की कैपिटल में, फिर आप करोगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ओनर्स कैपिटल अकाउंट, तो उसकी कैपिटल बढ़ेगी। बट अगर आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देते तब भी क्या होता, वो प्रॉफिट 50,000 से ज्यादा हो जाता और वो प्रॉफिट भी उसकी कैपिटल में ज्यादा। तो प्रोप्राइटरशिप कंसर्न में आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दो या नहीं दो कोई फर्क नहीं पड़ना है ओनर की कैपिटल पे। डू यू एग्री विद मी और नॉट? यस सर, आई वांट यस फ्रॉम ऑल द सर स्टूडेंट एंड नॉट ओनली फ्रॉम सदब। ये मैंने लास्ट लेक्चर में भी बोला था, प्लीज एक साथ बोलो। प्रोप्राइटरशिप फर्म में अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे, अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देंगे, प्रॉफिट्स पे ओवरऑल कैपिटल पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। डू यू एग्री विद मी और नॉट? यस यस सर। सर क्यों? अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे उधर तो वो प्रॉफिट से लेस हो जाएगा, बाद में कैपिटल में ऐड हो जाएगा। अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दोगे तो प्रॉफिट ऑब्वियसली ज्यादा हो जाएगा, सारा कैपिटल में ट्रांसफर हो जाएगा। तो दोनों सूरतों में जाना है एक ही ओनर को, तो फर्क पड़ेगा नहीं। गॉट इट? यस बट सर जी सर जहां पार्टनर दो है वहां पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से ओवरऑल जो कैपिटल में जाएगा, चाहे प्रॉफिट कैपिटल के इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के अंदर फर्क पड़ेगा, तो वहां पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मेक्स सेंस।
कैसे मेक सेंस? एक एग्जांपल लेता हूं, मैं छोटी सी एग्जांपल लेता हूं और थोड़ा ये क्लैरिफाई हो जाएगा। मैं एग्जांपल लेता हूं दो, आप देखोगे आपको खुद बोलेगा यस इंटरेस्टिंग, कैपिटल प्लेज अ रोल आउट हियर। देर आर टू पार्टनर्स, लतीफ एंड ताहिर। लतीफ की कैपिटल 5 लाख है, ताहिर की कैपिटल 2 लाख है, बाकी करेंसी म्यूट। और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो लतीफ और ताहिर का 1:1 है। अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देंगे और हमारा प्रॉफिट है 1,40,000, अगर नहीं देंगे तो क्या होगा इस केस में? क्या होगा केस 1 में? अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम नहीं देंगे, नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो क्या होगा? 1,40,000 को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो लतीफ को मिलेगा 70,000, ताहिर को मिलेगा 70,000। ठीक है, केस 2, अगर हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देते हैं 10%, तो उसमें क्या होगा? प्रॉफिट में से पहले 1,40,000 में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जाएगा, कितना? 5 लाख का 10%, इसको लतीफ को 50,000 मिलेगा और ताहिर को 20,000 मिलेगा। तो 1,40,000 में पहले ये 17,000 गए, बचा 70,000। ये 17,000 इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, 35,000 लतीफ को, 35,000 ताहिर को। तो लतीफ को यहाँ पे कैपिटल का मिलेगा इंटरेस्ट और प्रॉफिट मिलेगा 35,000 और यहाँ पे मिलेगा 35,000। तो इसको मिला टोटल 85,000 लतीफ को और इसको मिला 55,000। सोल प्रोवाइडर में ऐसा नहीं होता था क्योंकि सारा एक ही बंदे को जाता। तो यहाँ आपको क्लियरली समझ आया, अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रखते हैं तो अगर प्रॉफिट रेशियो इक्वल है तो उस केस में जिस पार्टनर को कैपिटल ज्यादा है उसको थोड़ा सा एडवांटेज मिलेगा, उसकी कैपिटल पे थोड़ा सा प्रॉफिट मिलेगा। डज इट मेक सेंस और नॉट? डज इट मेक जी सेंस और नॉट? है जी ना, सर, क्योंकि यस सर, अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल ही है तो एक पार्टनर जिसने ज्यादा पैसा लगाया तो उसको तो थोड़ा फेयर एडवांटेज नहीं हो पा रहा ना, अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देखे। पर अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं हो तो एटलीस्ट प्रॉफिट का कुछ मिनिमम पोर्शन जो है वो पहले कैपिटल के रेशियो में बांटा जा रहा है, क्योंकि लॉजिकली भी यही बनता है कि यार जिस पार्टनर ने ज्यादा पैसा लगाया उसकी उस कैपिटल पे अगर वो कहीं और पैसा लगाता, बैंक में लगाता, कोई काम नहीं करता, तो उतना तो उसको रिस्क फ्री रिटर्न मिल ही देता। तो इट डज मेक सेंस, इट सीम्स लॉजिकल कि भाई यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे। और हम एग्जैक्टली देख रहे हैं, अगर हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देंगे तो पहले केस में प्रॉफिट इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट हो रहा था ओवरऑल प्रॉफिट, और दूसरे केस में जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया तो पता चला जिस पार्टनर का ज्यादा कैपिटल था उसको ज्यादा मिला, एटलीस्ट कैपिटल का एडवांटेज उसको मिला। दूसरे केस में अगर ताहिर ताहिर काम कर रहा है तो उसको सैलरी मिलेगी, तो ठीक है बराबरी हो रही है ना भाई, जिस पार्टनर की कैपिटल ज्यादा उसको ज्यादा पैसा मिलना चाहिए कैपिटल के नाम पे। जो बंदा बिजनेस में ज्यादा टाइम लगा रहा है उसको सैलरी देंगे, जो बंदा ज्यादा एफर्ट लगा रहा है प्रॉफिट कमाने में उसको कमीशन देंगे। तो क्या हो रहा है, पार्टनरशिप में ये सब चीजों का लॉजिक बनता है बट प्रोप्रेटरशिप में इसका कोई लॉजिक नहीं बनता है। ओनर 10 घंटे काम करे, 20 घंटे काम करे, भाई एट द एंड जितना प्रॉफिट कमाएगा तो उसी का तो मिलेगा ना। बट पार्टनरशिप में ऐसा नहीं है, अगर एक बंदा ज्यादा मेहनत लगा रहा है, वी विल ट्राई, ही विल आस्क कि भाई जहां तक प्रॉफिट शेयर रेशियो बात है, अगर आप उसको इक्वल रख रहे हो तो मुझे इस चीज का तो कंपनसेशन दे दो ना, या तो आप प्रॉफिट शेयर रेशियो उस रेशियो में मत रखो, है कि नहीं? तो आप बोलो यार जिसकी ज्यादा कैपिटल है, अच्छा लतीफ की ज्यादा कैपिटल है, सपोज 3 पार्टनर है, लतीफ ताहिर और हमने तीसरे एक पार्टनर को ऐड कर दिया। अब लतीफ ज्यादा कैपिटल लगाया तो ठीक है, इसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से कंपनसेट हो जाएगा, ठीक है। दूसरा है कि ताहिर या कोई और वर्क कर रहा है वहां पे तो इसको हम सैलरी दे देंगे और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वली होगा, ठीक है। बट दूसरा तरीका ये हो सकता है, हम बोलेंगे ठीक है लतीफ की कैपिटल ज्यादा है, ताहिर वर्क कर रहा है, तीसरा बंदा ज्यादा कुछ नहीं कर रहा है, तो उसका प्रॉफिट शेयर रेशियो हम कम रखेंगे, ताहिर का थोड़ा ज्यादा रखेंगे और इसका ज्यादा रखेंगे, ताकि बाय करके, या तो आप प्रॉफिट शेयर रेशियो इस हिसाब से रखो ताकि कंपनसेट हो जाए, नहीं तो बेस्ट यही है प्रॉफिट इक्वली रखो, जो बंदा फिर ऊपर नीचे कुछ ज्यादा डिफरेंशियल दे रहा है उसके हिसाब से उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दो या सैलरी दे दो या कमीशन दे दो। तो यहाँ पे मेरा बोलने का मतलब था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रखना पार्टनरशिप में लॉजिकल लगता है, फर्क पड़ता है, प्रॉपर्टीशिप में कोई फर्क नहीं पड़ता। तो क्या आपको समझ आया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्यों देते हैं, क्या आपको इसका लॉजिक समझ आया? पार्टनरशिप यस सर, यस में सर, देते हैं फायदा होता है, लॉजिकल बनता है, प्रॉपर्टरशिप में देने का नहीं देने का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये लॉजिक समझ आया? जी सर, यस सर, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में अगर आपको बोला जाए व्हाई इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल गिवन इन द पार्टनरशिप एंड नॉट इन द प्रॉपर्टीशिप, आई होप जो मेरे बच्चे हैं वो आसानी से जवाब दे पाएंगे, ठीक है। बिल्कुल सर, यस सर, तो बट पार्टनरशिप एक्ट बोलता है भाई तभी मिलेगा जब डीड में लिखा होगा, अगर डीड में नहीं लिखा होगा तो आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा। दूसरी चीज, तो पहले हम समझ आए कि भाई ये डीड में लिखा होना चाहिए,
दूसरी चीज है कि अगर डीड में लिखा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% होगा, तब भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तभी दिया जाएगा अगर प्रॉफिट होंगे। अगर प्रॉफिट नहीं होंगे तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा, ठीक है। अगर बिजनेस को लॉस हुआ है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस बात है, क्योंकि लॉस हुआ है, ठीक है। करिए, आप ठीक है, थोड़ा ये देखो, रिपीट व्हाट कीजिए। व्हाट इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने पढ़ा, इट इज अप्रोप्रिएशन ऑफ द प्रॉफिट्स, है ना। हमने पहले, इससे पहले जी दो तीन सर, लेक्चर पहले यही पढ़ा था कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है ये अप्रोप्रिएशन ऑफ द प्रॉफिट है, जो प्रॉफिट है उनको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, बट डिस्ट्रीब्यूट इस सेंस में करेंगे, पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उठाएंगे, क्योंकि जिस पार्टनर ने ज्यादा कैपिटल लगाई है ही डिजर्व मोर शेयर ऑफ द प्रॉफिट, एटलीस्ट इन प्रोपोर्शन टू द कैपिटल विच ही और शी हैज इन्वेस्टेड इन द बिजनेस। तो हमने बोला इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज जस्ट द अप्रोप्रिएशन ऑफ दैट प्रॉफिट, जो मैंने ऊपर दिखाया 1,40,000 था, पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 17,000 बन रहा था, तो लतीफा 50,000 मिलेगा और उसको 20,000 मिलेगा, तो प्रॉफिट्स को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे ना। द पॉइंट इज, अगर लॉस होगा तो देयर इज नो पॉइंट इन गिविंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तभी दिया जाएगा अगर आपका प्रॉफिट होगा, अगर लॉस होगा तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रॉफिट नहीं दिया जाएगा, ठीक है। नहीं दिया जाएगा जी। यस सर, मगर अगर पार्टनर्स पहले ही लिखे डीड में कि इवन इफ देयर इज अ लॉस वी विल स्टिल गिव इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तब कोई बात नहीं है, इट मीन वो ट्रीट कर रहे हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को एज चार्ज, ठीक है। यस सर, पार्टनरशिप डीड इज अ बाइबल, अगर पार्टनरशिप डीड में ये चीज लिखी है तो वो चार्ज ही माना जाएगा, अनलेस अदरवाइज अगर क्वेश्चन साइलेंट है, डीड साइलेंट है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज ट्रीटेड एज अप्रोप्रिएशन ऑफ द प्रॉफिट, ठीक है। यस सर, अब इसको जो मैंने दूसरा लिखा है ना, इसको आप ऐसे भी इंटरप्रेट करते हो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी गिवन ओनली इफ वी हैव प्रॉफिट्स, बिकॉज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज कंसिडर्ड एज अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। हाउएवर इफ द डीड स्पेसिफिकली मेंशंस दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अ चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट, दैट इन दैट केस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी गिवन इवन इफ वी हैव लॉस, एंड इन दैट केस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल नॉट बी इन टेकन इन द प्रॉफिट लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, इट विल बी टेकन इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बिकॉज इट हैज बीन कैटेगोरिकली मेंशन बाय द पार्टनर्स दैट इट हैज बी ट्रीटेड एज अ चार्ज, ठीक है। यस सर, आप इसको नोट करना चाहते हो तो मैं आज तक से बोलूंगा, इस सेकंड पॉइंट को अगर आपको रिफ्रेश करना है तो मुझे बताओ, मैं रिफ्रेश करूंगा, आप नोट कर लो, बताओ कि समझ आया इस पॉइंट से। हाँ इंटरेस्ट ऑन समझ कैपिटल विल आया बी सर। गिवन ओनली इफ वी हैव प्रॉफिट्स, एक्सेप्शन एक है इफ पार्टनर स्पेसिफिकली मेंशन इन द डीड दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज कंसीडर्ड एज अ चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट। इन दिस केस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी गिवन इवन इफ वी हैव लॉस, इवन इफ वी हैव We have this. लॉस, एंड सेकेंड थिंग इज इन दिस केस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी टेकन ओब्लिक डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड नॉट प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है। इसमें अगर ये चार सर, बोलेंगे तो ये चीज पीएनएल में जाएगा, प्रॉफिट लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में नहीं जाएगा, ठीक है। हाँ जी, अब तीसरे पॉइंट जो मैंने लिखा था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अब बात आई कि भाई देना तो है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, हमें समझ आया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, अब क्वेश्चन आएगा भाई किस पे देना है, अमाउंट किस पे देंगे, बताओ। ओपनिंग कैपिटल अच्छा, ओपनिंग कैपिटल होगी उसकी। मैं मुझे बताओ, आप में से किसी ने बैंक अकाउंट खोला है? यस हाँ सर, यस yes, सर, सर। साल स्टार्ट होता है 1 अप्रैल 2022 को, सपोज फाइनेंशियल ईयर क्लोज होता है 31 मार्च 2023 को, लतीफ है, इसने बैंक में पैसा लगाया 5 लाख रुपया, बैंक की बात कर रहा हूं मैं, इसने बैंक में पैसा लगाया 5 लाख रुपया और इंटरेस्ट रेट 10% है। मुझे बताओ साल के बाद एट द ईयर एंड 31 मार्च को लतीफ को कितना इंटरेस्ट मिलेगा? इंटरेस्ट की फॉर्मूला क्या है? इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम, 50,000 मिलेगा, 50,000 5 लाख इंटू रेट 10% टाइम 1 साल, क्योंकि 10% पर एनम है तो 1 साल टाइम रहेगा, ये इंपॉर्टेंट है, जिस परसेंटेज में जिसमें रेट होगा उसी में टाइम होना चाहिए, अगर रेट मैंने पर एनम लिखा है तो टाइम भी पर एनम होगा तो 1 साल होगा, ठीक है। जी। था मैं तुलना यस सर, बीस था 50,000, ठीक है, तो यस सर, बैंक में आप जाओगे तो एक एक साल बाद उससे 50,000 मांगोगे ना, हाँ मेकिंग सेंस? यस यस
आई विल रिफ्रेज द क्वेश्चन। केस नंबर टू हुआ, ये केस नंबर वन था। केस नंबर टू, लतीफ फर्दर इंट्रोड्यूस्ड ऑन 1st अक्टूबर, लतीफ फर्दर इंट्रोड्यूस्ड 2 लाख रुपीज। अब लतीफ को कितना इंटरेस्ट मिलेगा? सर ट्वेंटी उसपे फाइव मिलेगा पूरे परसेंट साल का, अराउंड इसे मिलेगा हाँ 6 महीने का। हाँ 25%। तो सर जो उस केस में, उस केस में लतीफ को अगर इंटरेस्ट देखेंगे, मैं अभी पार्टनरशिप की बात नहीं कर रहा हूँ, मैंने बैंक में पैसा लगाया, 1 अप्रैल को 5 लाख लगाया, 1 अक्टूबर को 2 लाख लगाया, अब मुझे देखना है 31 मार्च को मुझे कितना इंटरेस्ट मिलेगा। तो आप बोलोगे ट्वेंटी सर फाइव एक फी का है, थाउजेंड इस 5 लाख पे कैसे कैलकुलेट करोगे? इस 5 लाख पे रेट है 10% इनटू टाइम 1 साल है, तो ये हो गया 50,000 इस पे। और जो सर आपने बाद में पैसा लगाया 2 लाख, उस पर रेट है 10% बट टाइम सिक्स है पॉइंट सिक्स सिक्स पॉइंट बाय ट्वेल्व 12 सिक्स सिक्स बाय हाँ 12 है ना। यस सर, तो 2 लाख पे 10% होता है 20,000 साल का, और 6 महीने का 10,000। 10,000 60,000 इसको मिलेगा। तो अब किस किस बच्चे ने बोला था सर ओपनिंग कैपिटल पे ही मिलेगा? अब जब यहाँ पे बैंक की बात आई, तो आपने सबने बोला 60,000 मिलना चाहिए। अब अगर पार्टनरशिप है और पार्टनर पहले 5 लाख की कैपिटल लगाई थी, और साल के बीच में उसने बोला कि ठीक है भाई और कैपिटल की जरूरत है मैं देता हूँ घर से 2 लाख रुपया और लाए उसने कैपिटल, तो सर उस यहाँ टाइम पे हमने उसको दो बेचारे को मीटिंग्स 50,000 ही क्यों किए दोगे? हैं सर। नहीं एडिशनल नहीं, हमने बोला था, कि सिर्फ उस पे फिफ्टी मेरे बेटे मुझे बता थाउजेंड फिर कमें क्लोजिंग कैपिटल कैसे आ जाती? आपका यही था ना, ओपनिंग नहीं देंगे मतलब क्लोजिंग पे बोल रहे थे ना आप, क्लोजिंग पे नहीं देंगे ओपनिंग पे देंगे, क्लोजिंग कैसे आती? क्लोजिंग तो ऐसे ही आता ना, ओपनिंग कैपिटल प्लस कैपिटल माइनस ड्रॉइंग करके। प्रॉफिट प्लस प्रॉफिट। तो अभी दिया नहीं है ना, हाँ वो भी करके आ सकता है, बट वही बात आ रही है क्योंकि अब प्रॉफिट जो है वो आप कब कैलकुलेट करोगे? जब पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगाओगे। सर जब जब ही इंट्रोड्यूस करेगा बिजनेस में, तब तब इसको मिलेगा उसी अमाउंट पे। नहीं मेरा पॉइंट है कि बच्चों ने बोला था कि सर ओपनिंग कैपिटल पे मिलेगा, तो ये स्टेटमेंट सही नहीं है पूरा। तो इंटरेस्ट इज अ टाइम बेसिस गेम है ना, इंटरेस्ट का सिंपल फंडा है, जितने टाइम के लिए रहा उतने टाइम के लिए इंटरेस्ट मिलेगा, ठीक है? बट वो भी सर तो फर्स्टली हमने बोला द बाइबल इज डीड, हाँ पार्टनर्स में डिसाइड कि भाई ओपनिंग कैपिटल पे ही देंगे, ठीक है? जी पार्टनर्स में डिसाइड कि ओपनिंग कैपिटल में मिलेगा, एंड तो पार्टनर्स में डिसाइड एवरेज जो मैंने लिखा था एवरेज कैपिटल पे मिलेगा, ठीक है? हाँ यस सर जो पार्टनर बोलेंगे वही चला जाएगा, और नहीं तो जो मेरा लॉजिक है उस हिसाब से जो आपकी एवरेज कैपिटल पूरे साल की उस पर मिलेगा, चाहे आपका ओपनिंग कैपिटल था प्लस एडिशन टू द कैपिटल माइनस विड्रॉल ऑफ द कैपिटल। और यहाँ पे नॉर्मली हम क्या करते हैं अकाउंटिंग कंटेक्स्ट में, जो नॉर्मल ड्राइंग होती है उसको बाहर निकालते हैं। मैंने आपको परसों परमानेंट विड्रॉल बोला था, कैपिटल का फर्क क्या है, समझ आई बात? क्योंकि जी सर ये ड्राइंग जो करता है इन लieu ऑफ प्रॉफिट ही होता है, तो वो प्रॉफिट का शेयर है जो बीच में निकालता है, तो कायदे से इस ड्राइंग पे आप लोग माइनस नहीं करोगे, बट अगर परमानेंटली उसने कैपिटल निकाल दिया है तो उस पर करोगे। अब मुझे पता, अगर आप फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट बना दो तो आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना आसान है कि नहीं? जब सर फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट बनाते हो तो आपको पता है कैपिटल अकाउंट अलग है करंट अकाउंट अलग है, तो जो कैपिटल अकाउंट में पार्ट था ओपनिंग कैपिटल एडिशन और अगर कोई विड्रॉल हो गया तो जो नेट डिफरेंस है उस पर आप इंटरेस्ट निकालोगे, ठीक है? वो कैसे करेंगे वो हाँ सेकंड स्टेप में दिखाऊंगा, बट अगर फ्लक्चुएटिंग हो तो वहां पे दिक्कत आ जाती है। फ्लक्चुएटिंग में दिक्कत आती है ना, क्योंकि ओपनिंग कैपिटल भी है बाकी सारी चीज भी हाँ है, बट मुश्किल नहीं जी होगा सर क्योंकि हमने जो लॉजिक बताया वो वहां पे भी अप्लाई हो जाएगा। अगर ओपनिंग कैपिटल है लिखा है डीड पे ओपनिंग कैपिटल पे ही मिलेगा तो ओपनिंग कैपिटल पे ही मिलेगा, अगर नहीं तो आप नॉर्मली एवरेज कैपिटल पे दे दो। और अगर क्वेश्चन साइलेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन आया और क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा, देखो पहले क्लियरिटी है विद रेस्पेक्ट टू पार्टनर, जब हम तीन पार्टनर है मैं ताहिर और कोई और बंदा, या दो पार्टनर मैं और ताहिर, हमारी तो क्लियरिटी होगी ना, जो क्लियरिटी होगी हम डीड में लिखेंगे। बट वेन हम एकेडमिकली पढ़ते हैं तो वहां ऐसा हो सकता है क्वेश्चन साइलेंट है, तो वहां पे आप जो भी चीज करोगे मैं प्रेफरेंस देता हूँ एवरेज को। अगर आपने क्वेश्चन में क्वेश्चन ओपनिंग के हिसाब से कर दिया तो प्लीज अकाउंटिंग में एक रूल याद रखो, एजम्पशंस बहुत रोल इंपॉर्टेंट प्ले करते हैं। आपने क्वेश्चन में जो भी एजम्पशन, अगर क्वेश्चन साइलेंट है, पहली इंपॉर्टेंट बात है क्वेश्चन साइलेंट है, तुम्हें पढ़ना नहीं आया दैट डजंट मीन क्वेश्चन साइलेंट है। क्वेश्चन साइलेंट है मतलब क्वेश्चन में नहीं लिखा है कि ओपनिंग कैपिटल में करना है या एवरेज कैपिटल में करना है, तो यू गो विद द एवरेज बट राइट द एजम्पशन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हैज बीन कंसीडर्ड ऑन एवरेज कैपिटल। इफ द क्वेश्चन यू वांट टू डू इट विद द ओपनिंग कैपिटल ओनली, देन
राइट द एजम्पशन इन द क्वेश्चन दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हैज बीन कैलकुलेटेड एज्यूमिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज गिवन ऑन ओनली ऑन ओपनिंग कैपिटल। बट जहां पे वो हिंट दे रहे थे कि ओपनिंग कैपिटल एक पर्टिकुलर डेट पे थी, फर्स्ट को थी, और फर्स्ट अक्टूबर है, ऐसे कुछ में मेजर चंक पैसा लगाता है, तो वहां पर तो वो हिंट दे रहे ना तुम्हें कि भाई यू कैन कैलकुलेट एवरेज कैपिटल, तो एवरेज पे लगा लो। बट जहां पे समझ नहीं आ रहा है कि ओपनिंग कितना था, क्लोजिंग कितना था, बीच में पैसा कब लगाया, ऐसी बात हो सकती है ना। ओपनिंग कैपिटल मैंने बोला लतीफ की 5 लाख थी, क्लोजिंग कैपिटल देखा उसकी 7 लाख है। नाउ यू आर कंफ्यूज भाई, ओपनिंग पे दे दे, क्लोजिंग पे दे दे, द क्वेश्चन इज द क्वेश्चन व्हिच विल कम इन योर माइंड, भाई वो 2 लाख रुपया कब लगा, ये क्वेश्चन आ जाएगा ना आपके जहन में। क्वेश्चन जी सर, ऐसा यस हो सर, सकता है कि ओपनिंग कैपिटल 5 लाख था, क्लोजिंग कैपिटल 7 लाख है, कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। नाउ यू विल गेट कंफ्यूज कि भाई वो 2 लाख कब लगाया है। इन दैट केस टेक द अजम्पशन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हैज बीन अज्यूम्ड टू बी गिवन ऑन द ओपनिंग कैपिटल ओनली, तो 5 लाख × 10% अल्लाह अल्लाह खैर सलाह। बट अगर क्वेश्चन ऐसा है लतीफ इज ओपनिंग कैपिटल वाज 5 लाख, ही इंट्रोड्यूस्ड 2 लाख ऑन 1 अक्टूबर, कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। नाउ यू हैव द वैलिड हिंट इन द क्वेश्चन, वैलिड इंफॉर्मेशन इन द क्वेश्चन फॉर द कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। एट द टाइम व्हाट यू विल डू, 5 लाख पे पूरे साल का लगेगा और 2 लाख पे 6 महीने का लगेगा, क्योंकि क्वेश्चन में वो इंफॉर्मेशन नहीं है। तो मैं ये बात बता रहा हूँ कि अगर आपको कभी एजम्पशन लेनी भी पड़ती है तो एजम्पशन वैसे लगा लो कि ऐसा ना हो कि क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन थी और आप फिर भी गलत एजम्पशन लगाओ, सिर्फ एग्जाम्पल बोलेगा इसको नॉलेज नहीं थी। समझ आया मैंने क्या बोला? फोन यस सर, यस इसको सर। रिपीट करेगा मैंने क्या बोला? सर आपने बोला कि अगर वहां पे नहीं, हाँ बेटा, बोलो ना, अब आपका म्यूट हो गया अगर बेटा। क्वेश्चन साइलेंट था, अगर उसमें कुछ नहीं देखी था कि आपको क्या करना है, हाँ तो फिर हम उसमें अजम्पशन लेंगे और वहां पे मेंशन करेंगे कि हमने कैसे इसको एज्यूम किया है। अगर आप लिखे उसमें हाँ हमें कंफ्यूज, अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ना है कि अगर देखिए कैसे करना है। अब अगर क्वेश्चन में ऐसी वैसे हिंट ही दी थी कि आप कैलकुलेट कर सकते हो जो एडिशनल कैपिटल लगाई है, पता चल रहा है कब लगाई, तो आपको तो टाइम फिर फ्रेम के जरूरत हिसाब से नहीं कर है। सकते हो ना, उसके हाँ, फिर बाद उसी हिसाब से करना है। एवरेज वाला लगाओगे। जहां पे आपको पता नहीं चल रहा कि पैसा कब लगाया, तो बात है कि ये कब से कब तक दे देंगे, वहां पे आप वो फॉर द ओपनिंग बट राइट द एजम्पशन। एजम्पशन यू हैव टू राइट इन द बोथ द केसेस। जहां यस पे आप सर, ओपनिंग कर रहे हो उधर भी एजम्पशन लगाने, क्योंकि क्वेश्चन साइलेंट है। जहां पे एवरेज पे कर रहे हो वहां पे भी एजम्पशन लगाओ, बट वो एजम्पशन तभी लगाओ जब क्वेश्चन में वो इंफॉर्मेशन है कि भाई ये पैसा कब लगाया था, है कि नहीं। तो यस सर, ऐसा तो यस नहीं करोगे सर, ना, 7 लाख है ओपनिंग, 5 लाख है, 6 लाख पे लगाओगे, क्योंकि हाँ ये नहीं गलत सर, एजम्पशन है। क्योंकि यू डोंट नो कि वो 2 लाख रुपया कब लगा, तो एट दैट टाइम टेक द एजम्पशन ऑफ अप्लाइंग द इंटरेस्ट ऑन द ओपनिंग कैपिटल ओनली। ठीक है, यस सर, वेरी गुड भाई, कसम खामो इस वन वाले। ठीक है, सर एक क्वेश्चन है हाँ बेटा बताओ। सर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सर हमने पार्टनरशिप डीड बोलता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% आप दो, जी तो सर हमने दिनी दिनी पार्टनरशिप डीड बोल रहा है, तो सर लॉस निकल गया, तो सर फिर हमने दिनी दिनी है सर पार्टनरशिप डीड में लिखी है तो। पार्टनरशिप डी में अगर इतना लिखा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% है यस सर, और कुछ नहीं लिखा है, तो मैंने क्या बोला था बेटा ऊपर, सेकंड अभी बोल रहे थे ना सर, मैंने क्लास सर सेकंड जरा लेट लिए। पॉइंट क्या बोला था मैंने, वी विल गिव इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ओनली व्हेन वी हैव प्रॉफिट्स, एक्सेप्शन तब है इफ पार्टनर स्पेसिफिकली मेंशन इन द दैट डीड दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी कंसीडर्ड एज अ चार्ज। अगर लॉस है बेटा तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देंगे, बट अगर डीड में लिखा है कि जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है ये एज अ चार्ज हम रख रहे हैं, नॉट एज एन अप्रोप्रिएशन। नॉर्मली अगर कुछ नहीं लिखा है, इट इज कंसिडर्ड एज अप्रोप्रिएशन, तो तभी देंगे जब प्रॉफिट है। यस सर, अगर स्पेसिफिकली लिखा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी ट्रीटेड एज चार्ज, तो उस केस में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तब भी देंगे। बाद में क्या होगा, लॉस और बढ़ेगा। अब था पहले लॉस था 50,000, अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देगा 70,000, लॉस कितना हुआ, वो 50 + ये 70,000, 1,40,000, सर 1,40,000 प्रॉफिट जनरेशन में लॉस भी करोगे पार्टनर्स। तुम लोगों ने तो बोला ना एज ए चार्ज क्रिएट करना है, तो कर देंगे भाई, जो लॉस आएगा वो भुगत वो सारे ना, वहां पहले 50,000 भुगत ना था, अब 1,40,000 भुगत। सर लॉस निकल गया सर, हर पार्टनर को सर ये डिवाइड कर देंगे, हर पार्टनर को मतलब आपस में बांट देंगे सर। यस बेटा बांट लेंगे एज पर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा उस रेशियो में। भाई मेरे प्रॉफिट आ जाएगा तो किस रेशियो में बांटोगे, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। लॉस आएगा तो सर किस रेशियो में बांटोगे, प्रॉफिट शेयर रेशियो में। लॉस, यस सर, यही आ रही है कि हमने बोला था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज एन अप्रोप्रिएशन, तो अगर प्रॉफिट होगा तभी देंगे, अदरवाइज नहीं देंगे। बट अगर पार्टनर बोल रहे नहीं भाई हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जो पार्टनर ज्यादा कैपिटल लगा लिया है वो बोल रहा नहीं भाई मेरे को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चाहिए चाहिए, तो उन्होंने डीड में लिखवा दिया कि भाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट,
इरेस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि प्रॉफिट है कि नहीं है भाई, मेरे को अपना पैसे पे इंटरेस्ट चाहिए, बाद में जो लॉस आएगा वो पीएसआर में भुगत लेंगे, है ना। यस सर, यस सर, यस सर, उसमें भी उसको फायदा है जिसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ज्यादा बढ़ रहा है, क्योंकि यस लॉस सर, पीएसआर में बढ़ जाएगा। यस सर, तो अगर लॉस होगा तो कायदे से नहीं देंगे अनलेस एंड अंटिल चार्ज, और अगर लॉस हो गया एंड देन यू हैव टू डू द इंटरेस्ट ऑन द कैपिटल, तो सिंपल सी बात है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जितना बनेगा वो बना दो, वहां से ऑब्वियसली लॉस हो जाएगा, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन आप कर रहे हो, पहले नेगेटिव था फिर डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हो, 50,000 था पहले बिल्कुल लॉस, फिर 17,000 और दे रहे हो पार्टनर को, आप फर्म के पास बिल्कुल कितना लॉस हुआ, 1,40,000। अब ये 1,40,000 जब डिस्ट्रीब्यूट 70,000 प्लस 50, सॉरी 1,20,000, वो पीएसआर में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। यस सर, थैंक यू सर. एक मिनट बैठे ना, चलो अब मैं एक चीज और लिखाता हूं तो हमारा जो कंसेप्ट है इस पे खत्म हो जाएगा, फिर हम क्वेश्चन करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, क्योंकि आपके मैं चाह रहा हूं आपके नोट्स एक साथ हो जाएंगे और क्वेश्चंस एक साथ हो जाएंगे कॉपी पे, तो आपका रिवीजन एक साथ हो जाएगा। बात आ रही है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है, नॉर्मल केस है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपका अप्रोप्रिएशन ही है, बट केस क्या बन गया आपके इनएडिक्वेट प्रॉफिट्स है। इनएडिक्वेट प्रॉफिट का मतलब क्या होता है, सर इनसफिशियंट, दैट इज बिल्कुल सही मुनाजा ने बोला, इनसफिशियंट प्रॉफिट है यस सर, आएगा, अब क्या करेंगे। मैं एग्जांपल देता हूं, आपका प्रॉफिट है 50,000, प्रॉफिट प्रॉफिट लॉस नहीं बोल रहा हूं, 50,000 है, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको देना है दो पार्टनर्स को, लतीफ को ताहिर को, लतीफ को देना है 50,000, ताहिर को देना है 20,000। आपका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 1:1 है, उस केस में क्या करेंगे बताओ। सर कैपिटल रेशियो में देंगे प्रॉफिट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है, 50,000, 70,000। 70,000 टोटल है तो फिफ्टी पहले ये बात समझ लो, थाउजेंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मुझे पार्टनर को 70,000 पड़ रहा है कैलकुलेशन के हिसाब से, बट मेरे पास प्रॉफिट 50,000, तो इसको क्या बोलेंगे, प्रॉफिट्स और इनएडिक्वेट। इनसफिशिएंट, इनएडिक्वेट इनएडिक्वेट, फॉर व्हाट, इनएडिक्वेट फॉर गिविंग, इज इट अ लॉस, नो वी डोंट हैव नो लॉस, सर, वी हैव प्रॉफिट, बट द प्रॉफिट इज इनएडिक्वेट। इनएडिक्वेट इन व्हाट कंटेक्स्ट, इनएडिक्वेट विद रेस्पेक्ट टू द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल व्हिच वी हैड टू गिव इज मोर देन द प्रॉफिट्स वी हैव, वी हैड टोल्ड दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज द अप्रोप्रिएशन ऑफ द प्रॉफिट, द प्रॉफिट हैज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड, द फर्स्ट थिंग वी हैड टू डिस्ट्रीब्यूट द प्रॉफिट इज द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज 70,000 एंड वी हैव ओनली 50,000 प्रॉफिट। नाउ क्वेश्चन आर इज व्हाट विल वी डू इन दिस केस, सर कैपिटल रेशियो में देंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो आंसर इज जो ताहिर ने बोला, इन दिस केस अब लिख लो, फाइव इज टू टू में बांटेंगे सर. इन दिस केस या इन सच केसेस प्रॉफिट्स, प्लीज म्यूट करो यार किसी की ना वो आवाज आ रही है, अदब। सर एक सदब की साइड से आ रही है। हाँ इन दिस केस प्रॉफिट्स विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रेशियो, क्या लिखा मैंने, प्रॉफिट्स विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रेशियो, दैट इज इन द अबव एग्जांपल प्रॉफिट ऑफ ₹50,000 विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन 5:2 रेशियो। अनम्यूट कर सकते हो अपने आप को, तो क्या समझ आया, इस केस में हम प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, यहां पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दे रहे हैं, ये बात याद रखो, हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दे रहे, हम प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, बट रेशियो चेंज हो जाएगी, रेशियो हो जाएगी 5:2, तो एंट्री क्या हो जाएगी, लतीफ को कितना मिलेगा, लतीफ शेयर ऑफ प्रॉफिट, एल्स शेयर ऑफ प्रॉफिट विल बी
50,000 इंटू फिफ्टी फाइव डिवाइड थाउजेंड सेवन इंटू फाइव इंटू डिवाइड फाइव बाई बाई सेवन सेवन कोई बेटा कैलकुलेट कर दो, और ताहिर शेयर ऑफ प्रॉफिट इज इक्वल टू 50,000 इंटू टू बाई सेवन, 15,000 8 लाख डिवाइड बाई 7 14 लाख, 14,000 को तो को कितना हुआ बेटा? कहता है 142.85 फिर पॉइंट्स में निकल गए। ठीक है, और ये एक सेकंड से करती हूँ। तो 3571 4, हाँ तो इसकी एंट्री क्या हो वही जाएगी? पॉइंट प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट 50,000, तो एल्स कैपिटल अकाउंट, तो टीज कैपिटल अकाउंट। यहाँ पे ये बात याद रखनी है, हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दे रहे, हम प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, फर्क हो रहा है। बच्चे इसमें समझ सकते हैं भाई, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 50,000 नहीं 50,000 देंगे इस रेशियो में, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं? प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, बट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रेशियो में नेट इंपैक्ट वही आएगा अकाउंट में, बट ये बात याद रखना हम प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर रहे हैं। समझ आई बात? यस सर, आप देखोगे फर्क तो पड़ेगा नहीं, जाएगा इतना ही पैसा, चाहे आप इसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिख दो या वो लिख दो, बट हमने बोला प्रॉफिट्स विल बी डिस्ट्रीब्यूट। तो ये लॉजिकल, ये कंसेप्टल चीजें जो भूल जाता है बंदा, प्रॉफिट्स विल बी डिस्ट्रीब्यूट बट प्रॉफिट शेयर रेशियो में नहीं, प्रॉफिट शेयर रेशियो 1:1 होता, तो उसमें बेचारे को नुकसान होता है जिसकी कैपिटल ज्यादा थी, लतीफ का नुकसान होता है। तो हमने बोला ठीक है, 50,000 को डिस्ट्रीब्यूट करना था, 70,000 को तो क्या करते, उसको 50 देते, उसको 20 देते, और प्रॉफिट कुछ बचता नहीं। यहाँ पे 50 बचा तो 50 को इस रेशियो में देते, अल्टीमेटली पूरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो नहीं मिलेगा, जितना मिलेगा उस रेशियो में मिलेगा जितना उसका था। ठीक है, हम क्वेश्चंस करें, कंसेप्ट सारे हो गए हैं, अब कोई कंसेप्ट आएगा तो क्वेश्चन में वो कवर करेंगे, बट इस बार मैं चाहता हूं मैं आपको कोई भी सॉल्व क्वेश्चन नहीं दिखाऊंगा, मैं इस बार अनसॉल्व क्वेश्चन दिखाऊंगा। तो एक मैं कैसे पति राज सर से सॉल्वड हम पा रहे अच्छा सा आंसर लिखे तो अनसॉल्वड चेस्ट का होमवर्क, तो इस बार मैं डिफरेंट करूंगा, मैं सॉल्व क्वेश्चन करूंगा आप अनसॉल्व क्वेश्चन करोगे। ठीक है, क्या जी बोला सर। मैंने? सर आपने फिर से वही बोला। हाँ, मैं अनसॉल्व करूंगा आप सॉल्व क्वेश्चन करोगे, चलो आ जाओ अनसॉल्व क्वेश्चन पे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अच्छा बेटा मुझे बताओ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे किसी को कुछ और, जैसे अभी ताहिर है, किसी ने क्वेश्चन पूछा था सर अगर ये होगा तब क्या होगा, एक केस मैंने बताया, आप में से किसी को कुछ लग रहा है सर अभी हमें डाउट है, अभी मैं क्वेश्चन नहीं कराया बट जो मैंने समझाया इस पे कोई डाउट या कुछ और चीज आपके जहन में आ रही है कि सर अगर ये होगा, हमारे जहन में ये आ रहा है, बट स्पेसिफिकली रिस्ट्रिक्ट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं घुसाना, गुडविल नहीं घुसाना, अभी हम एक एक करके सब कंसर्न पे आ जाएंगे। अभी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे बोलो, आपको कुछ भी डाउट आ रहा है आप मुझे बता सकते हो, कैलकुलेशन पार्ट को छोड़ के, क्योंकि वो कैलकुलेशन पार्ट में करेंगे, क्वेश्चन आते हैं ना सर अगर जीरो तो क्या करो, अगर ये हुआ तो क्या करेंगे, उस कंटेक्स्ट में आपको कोई भी डाउट होगा तो बता दो। जहरा ने हाथ खड़ा किया, हाँ बेटा बताओ। सर फॉर एग्जाम्पल आप और मैंने बिजनेस स्टार्ट किया पार्टनरशिप में, सर हमारा आपका भी स्टेक 40-50% है, मेरा भी बिजनेस में स्टेक तो पैसा कैपिटल शेयर्स ना प्रॉफिट, मतलब प्रॉफिट शेयरिंग फिफ्टी रेशो की आपका बिजनेस, कैपिटल। सर 50% आपका बिजनेस है, 50 मेरा। देखो बेटा मिक्स मत करो क्वेश्चन को, आपकी कैपिटल बोल रहे हो क्या आप प्रॉफिट शेयरिंग रेशो बोल रहे हो, सर कैपिटल्स ना हमने लगा, मिक्स कर रहे हो, कैपिटल होगा कुछ अमाउंट होगा, फॉर एग्जाम्पल 50,000 50,000 तुमने लगाया, 50,000 मैंने लगाया, ठीक है आगे सब बता। सब बिजनेस इंसॉल्वेंट हो गया, बिजनेस इंसॉल्वेंट हो गया, ठीक, बिजनेस और डीड में इंसॉल्वेंट हो गया, बिजनेस इंसॉल्वेंट कहाँ होता है बिजनेस वाइंड अप होगा वाइंड अप, सर? ये वाइंड अप बिजनेस इंसॉल्वेंट होगा का मतलब तो क्या होता है? दिवालिया निकला, बिजनेस का दिवालिया नहीं निकलता है, बंदू का दिवालिया निकलता है, क्योंकि हमने बोला था पार्टनरशिप में लाइबिलिटी अनलिमिटेड है, बिजनेस में लॉस हो सकते हैं, बिजनेस में इतने लॉस हो गए कि बिजनेस बंद करना पड़ा, बिजनेस वाइंड अप करना पड़ा। ठीक है, आप क्वेश्चन पूरा नहीं बना बता पा रहे हो, बताओ पहले पूरा क्वेश्चन बताओ। ठीक है, बिजनेस लॉस हो गया, ठीक, सर। आप चार्ज मांग रहे हो, मतलब इंटरेस्ट डीड नहीं है, आप वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एज अ चार्ज होगा ना आप सर। नहीं आ रहा है समझ बेटा क्वेश्चन, सर इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट कैपिटल चार्ज कहाँ होगा मतलब? सर चार्ज नहीं, डीड में मतलब लिखा ही होगा हमने,
डीड तो आप साइलेंट है ठीक। हाँ सो आप चार्ज बन जाएगा क्या चार्ज बनेगा, सर, यू ना चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट कैसे बनेगा खुद ही? सर, डीड में मत लिखा अगर उसमें नहीं है तो कुछ नहीं मिलेगा। तो क्या गो विज आर नॉट एक्सपेक्टेड फ्रॉम यू, तो आता लेट क्लास में। सर, मुझे म्यूट म्यूट ये हो रहा था, मैं आज घर पे नहीं हूँ, यहाँ पर नेटवर्क बहुत। मैंने सबसे पहली बात क्या लिखी, या ये तो आज की क्लास ही है ही नहीं, ये तो पहली क्लास है। इन द एबसेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड द प्रोविजंस ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 विल अप्लाई व्हिच कैटेगरिकली मेंशंस इन द एबसेंस ऑफ डीड नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी गिवन, नो सैलरी विल बी गिवन, नो कमीशन विल बी गिवन, प्रॉफिट्स विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली, इंटरेस्ट ऑन लोन विल बी गिवन टू द पार्टनर एट द रेट 6% ऑन हिज और हर लोन। तो अगर डीड में लिखा ही नहीं है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना ही नहीं है, चार्ज कैसे बनेगा? तो पहला केस भी आज मैंने यही बोला, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तभी दिया जाएगा अगर डीड में लिखा होगा, और फिर उसके बाद भी अगर डीड में लिखा है तब भी तभी दिया जाएगा अगर प्रॉफिट है, अगर लॉस है तो नहीं दिया जाएगा। अनलेस अदरवाइज द डीड स्पेसिफिकली मेंशन दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज द चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट, इन दैट केस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल हैव टू बी गिवन टू द पार्टनर्स इवन इफ वी हैव लॉस, इन दैट केस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी डेबिट टू द प्रॉफिट लॉस अकाउंट एंड नॉट प्रॉफिट लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड द कॉरस्पॉन्डिंग लॉस, द लॉस इन द पीएनएल बिफोर दिस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड द लॉस व्हिच हैज एक्युमुलेटेड बाय वर्च्यू ऑफ दिस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोथ विल बी क्लबड एंड द टोटल लॉस विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द पार्टनर्स इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। थर्ड केस मैंने बताया इफ इट इज नॉट अ चार्ज, अगर चार्ज है बाय प्रॉफिट सफिशियंट है या इनसफिशियंट है कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर मैं इसको समराइज करूंगा ऊपर वाले केस को, हमें समझ आ गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दो चीजें हो सकती है, आप इसको भी नोट कर सकते हो, ये अप्रोप्रिएशन हो सकता है, ये चार्ज हो सकता है। चार्ज है तब बनेगा जब डीड में लिखा होगा, ठीक है। अप्रोप्रिएशन में देखेंगे प्रॉफिट, प्रॉफिट जो है सफिशियंट है और प्रॉफिट इनसफिशियंट है, ठीक है, इनएडिक्वेट है। अगर प्रॉफिट सफिशियंट है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे देंगे, ठीक है, बैलेंस प्रॉफिट जो बचेगा वो पीएसआर में दे देंगे, ठीक है। अगर प्रॉफिट इनसफिशियंट है ऊपर वाला केस हो गया, तो उस केस में क्या होगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस्त नहीं देंगे बट जो प्रॉफिट होगा वो डिस्ट्रीब्यूट होगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की रेशियो में। समझ आई बात? यस सर, यस। अगर अप्रोप्रिएशन हम ट्रीट कर रहे हैं और प्रॉफिट सफिशियंट है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे देंगे, बाकी जो बैलेंस प्रॉफिट बचा वो पीएसआर में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अगर इनसफिशियंट प्रॉफिट है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देंगे बट जो प्रॉफिट है उसको किस रेशियो में बांटेंगे? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल व्हाई इज ओनली जहरान से, अगर प्रॉफिट इनसफिशियंट है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देंगे बट जो प्रॉफिट है उसको देंगे किस रेशियो में? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के इंटरेस्ट रेशियो ऑन कैपिटल रेशियो में। फर्क है इसमें। मैं ऐसा भी बोल सकता था कि अगर प्रॉफिट इनसफिशियंट है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उतना ही देंगे जितना प्रॉफिट है, बट मैं ये बात नहीं बोल रहा हूँ मेरे बच्चों, मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर प्रॉफिट इनसफिशियंट है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देंगे बट जो प्रॉफिट है उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रेशियो, पैसा अकाउंट में उतना ही जाएगा। ऐसे नाक कान को पकड़ को या ऐसे कान को पकड़ो गए, बात एक ही है बट फर्क है स्टेटमेंट में। पहले केस में बोल रहा हूँ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाए क्योंकि कल को क्वेश्चन आ सकता है एमसीक्यू टाइप, सपोज कहीं एग्जाम में क्वेश्चन आया है एमसीक्यू टाइप किसी कंप्यूटर एग्जाम में, तो अगर प्रॉफिट इनसफिशियंट है और अप्रोप्रिएशन है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा, आंसर इज नो। उसमें एक ऑप्शन हो सकता है शायद ऐसा हो कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा बट प्रॉफिट विल बी डिस्ट्रीब्यूट इन द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अगर चार्ज है मेरे दोस्तों, तो मेरे दोस्तों अगर चार्ज है, प्रॉफिट सफिशियंट है, इनसफिशियंट है, कोई फर्क नहीं जाएगा, दोनों केस में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना पड़ेगा। सफिशियंट है तो ठीक है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दोगे, बाकी बैलेंस पीएसआर में। इनसफिशियंट है तो कोई इशू नहीं है, लॉस और पड़ेगा, पहला जो लॉस था ही ऑलरेडी प्लस पीएस जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था पूरा दे देंगे, जो पूरा लॉस होगा वो फिर पीएसआर में डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो अगर चार्ज है तो दोनों सूरतों में देना है, अगर अप्रोप्रिएशन है तो तभी देना है, अगर प्रॉफिट है अदरवाइज नहीं देना है, ठीक है। लॉस होगा तब देंगे, नहीं इनसफिशियंट होगा तो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा बट इन द रेशियो ऑफ पीएसआर, इन द रेशियो सॉरी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल।
अब किसी और को कोई डाउट है? ताहिर तुम्हारा जहरान तुम्हारा क्वेश्चन ना जम नहीं रहा था बेटा, पता नहीं तुम क्या बोल रहे थे, बट आई होप वो उसे मुझे किल हो समझ को गया, नहीं आ रहा। वो किल हो गया उस पॉइंट से जब मैंने ये बात बोली कि डीड अगर साइलेंट होगी तो चार्ज वाली से तो बात ही नहीं आएगी, ठीक है? और किसी का सर कोई डाउट? सर, अगर ये ना ओपनिंग कैपिटल नहीं दी गई होगी और एडिशनल कैपिटल होगा, तो तब हम वहां पे कैसे निकालेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मतलब ओपनिंग कैपिटल पे कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो फॉर्मूला बच्चे यूज ने एक केस करेंगे। बता दिया, अब तुम लोग इसको नोट करो, हाउ टू कैलकुलेट ओपनिंग कैपिटल, यही आपका क्वेश्चन है। इफ यस सर, ओपनिंग कैपिटल इज नॉट गिवन। ओपनिंग कैपिटल इज नॉट गिवन, सो ये केस बन गया, बहुत ही अच्छा केस है। आपको ओपनिंग कैपिटल पे इंटरेस्ट लगाना है, बट आपको ओपनिंग कैपिटल ही नहीं करनी है ना, या आप एवरेज भी लगाओ तब भी ओपनिंग कैपिटल तो पता होनी चाहिए। इस केस में हम कैपिटल कैसे निकालेंगे, ओपनिंग कैपिटल? आप में से कितने बच्चों ने मेरे पास या कहीं के पास एक चैप्टर पढ़ा था, अकाउंटिंग फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स, क्लास जी सर, पढ़ा था जी 11th में? सर। सर क्लोजिंग कैपिटल माइनस एडिशनल कैपिटल मैंने माइनस आंसर बोला ही नहीं अभी करेंगे बच्चा, मैंने आंसर बोला ही नहीं, मैंने बोला ये किसने पढ़ा था ये टॉपिक 11th में, आपका एक टॉपिक था अकाउंटिंग फ्रॉम अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स 11th क्लास में। उसमें हम बोलते थे आपके पास बंदा आया, भाई मेरी बैलेंस शीट बना लो, ये से बना, उसके पास कुछ डिटेल नहीं है, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट था हम कैपिटल निकालते। ओपनिंग कैपिटल कैसे निकालते वहां पे हमने सीखा था, अगर आपको अब याद नहीं, अगर याद है तो आपको हिंट मिला होगा कि भाई वहां पे हम कैसे निकालते थे, यस सर। अगर नहीं है याद तो कैसे निकालते थे। बच्चे ने फॉर्मूला बनाया तो मैं फॉर्मूला तो बाद में आएगी, फॉर्मूला लिखने के लिए आएगा, याद करेंगे, पहले लॉजिकली समझेंगे, ठीक है बेटा? लॉजिकली इसको ऐसे समझेंगे, आप आज शाम को घर आए, ठीक है, ये मुनजा ने एक क्वेश्चन पूछा था, जी सर। मुनजा शाम को घर आ रही है, मुनजा बोल रही है कि मेरे वॉलेट, मुनजा ने वॉलेट खोला, सारे लोग अच्छे से समझेंगे, मुनजा ने वॉलेट खोला और शाम को एट इवनिंग मुनजा अपना वॉलेट खोल दिया और वहां पे उसके 800 रुपया है, कितने हैं? 800। अब मुनजा हिसाब करती है कि दिन में इसने जो स्पेंड किया है अमाउंट, कहीं पे भी खाया हुआ कुछ भी होगा या किराया वराया लगा, इसके 200 रुपया खर्च हो गए, तो आप मुझे बता सकते हो मॉर्निंग में मुनजा के पास कितने पैसे थे जब मुनजा घर घर से निकली? 1000। 1000। कुछ मुश्किल था? नो सर, क्या किया नो सर, मुनजा ने, मुनजा ने कैसे कैलकुलेट किया, आप सब कैसे कैलकुलेट करते हो, 800 को कैलकुलेशन जो करते हो भाई, 800 रुपया जेब में है, 200 रुपया दिन में खर्चा किया, तो 800 प्लस 200 मेरे पास सुबह जब मैं निकला था घर से 1000 रुपया होना चाहिए था। सर। अब मुझे बताओ, ये एक चीज हो गया, अब मैं इसको थोड़ा सा और ऐड कर लेता हूं, ये तो बहुत सिंपल था, 200 रुपया खर्चा किया, अब मुझे बताना है कल शाम को कितना था मुनजा के पास, ये इंफॉर्मेशन है, 800 रुपया अभी है, 200 रुपया आज दिन में खर्चा किया, मुनजा को इतना पता है सुबह जब मैं निकली थी इसके पापा ने ना इसको 300 रुपया दे दिए थे, सुबह पापा ने 300, मुझे बताओ कल शाम को मुनजा के पास कितने पैसे थे? 1300 हाँ, कल शाम को, थाउजेंड ही थाउजेंड कल शाम को, कल शाम को, मेरे ही सुबह दिए 300। बेटा अभी आपके सेवन। पास 800 रुपया है, आज दिन में आपने 200 रुपया खर्चा किया ठीक। और सुबह आपको पापा ने 300 दे दिया, यहाँ कितना था आपको पहले, पापा के 300 देने से पहले कितना था आपके पास? 700। 700 थे ना बेटा, तो आपने क्या किया, आप बोलोगे यार मेरे पास क्या है अभी, 800, मैंने कितना खर्चा किया, 200, 800 प्लस 200 कितना हो गया, 1000, इतने मेरे पास टोटल पैसा था 1000, इसमें से पापा ने सुबह कितना दिया था 300, तो 1000 में से 300 ठीक। माइनस करूंगा तो पहले कितना था तुम्हारे पास? 700। अब मुझे बताओ, अगर आप ये यहाँ पे आपको मुश्किल नहीं हो रहा है, बहुत लॉजिकली आगे, तो शाम को मेरे पास वॉलेट में 800 रुपया है, मैंने दिन में खर्चा किया 200, इट मीन 800 प्लस 200 मीनस मेरे पास 1000 थे, इसमें से पापा ने सुबह 300 दिए थे,
1,000 माइनस 300, 700 मेरे कल के पैसे थे। अब यही चीज अगर पार्टनरशिप में लगाओगे मेरे दोस्तों, ये आपकी क्लोजिंग कैपिटल है 800, ये आपकी ड्राइंग है, ये आपकी एडिशन, तो आपको ओपनिंग कैपिटल निकालना आ जाएगा। तो जी किसी जी बच्चे ने ये सर, फॉर्मूला बोला था, ओपनिंग कैपिटल इज इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्राइंग माइनस एडिशन। ये फॉर्मूला आप भूल सकते हो क्योंकि ये फॉर्मूला है, बट अगर आप इसको लॉजिकली फॉर्मूला को लिखोगे तो आप कभी नहीं भूलोगे। मुनजा के एग्जाम्पल याद रख लेना, ठीक है? मुनजा, आपको आंसर मिल गया कि अभी भी डाउट जी है? सर, नो सर, मिल गया। ये बाकी का भी डाउट हो सकता था, और डाउट क्या, ये मुझे क्वेश्चन कराना था बट मेरे से अभी छूट गया था, तो मुनजा ने ऐसे ब्यूटीफुली क्वेश्चन पूछा कि ये केस भी कवर हो गया। किसी और का कोई डाउट? अच्छा, ये जो डाउट पूछा इसने, किसी और को इससे वैल्यू एडिशन हुई कि नहीं हुई? क्योंकि अच्छा डाउट था। ठीक यस सर, मुझे मुझे भी यही है आया सर, था। ठीक मैं है, अब हम क्वेश्चंस करें बच्चों। कि पका के क्वेश्चन ठीक सर, बताओ, यस सर, क्वेश्चन करें। नो एक सर, हम क्वेश्चन आज करते करेंगे। हैं, ठीक है ना? कल के लिए आपको कोई होमवर्क नहीं होगा, आप एंजॉय करो। कल हम और क्वेश्चन करेंगे और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का पाठ्य पढ़ेंगे, ठीक है? सर कल आपकी क्लास होगी? कल मेरी क्लास होगी, कल मेरी क्लास होगी 8 बजे, ठीक है? क्योंकि परसों मेरा फ्रेंड आ रहा है, तो परसों मैं क्लास नहीं दे पाऊंगा, ठीक है ना? ठीक है सर, फिर आपकी, फिर उसके बाद फिर फ्राइडे सैटरडे संडे नईम सर की क्लास है। आप सब ना क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाओ, और जो जो क्वेश्चन अभी तक नहीं हुआ ना अनसॉल्व में, उसको नोट कर देना, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि कोई क्वेश्चन हम छोड़ दें उसे, ठीक है? अभी तक सिर्फ क्वेश्चन नंबर 9 नहीं हुआ है, ठीक है? जी सर। हाँ, उसमें इंटरेस्ट ऑन यस ड्राइंग सर, है इसलिए। हाँ, इसमें जो क्वेश्चन नंबर 10 है वो आसान है, वो आप खुद करोगे। मैं जरा क्वेश्चन नंबर 11 कर लेता हूँ, ठीक है? ठीक है, मैंने से आसान, इट इज अपेरेंटली मुझे आसान लग रहा है। अगर वो सपोज मुश्किल होगा तो तुमको घबराना नहीं है, आप बस मुझे ये बोलना है कि सर हमें ये क्वेश्चन नहीं आया, ग्रुप में ये मैसेज कर देनी है कि ये क्वेश्चन नहीं आया। और मैं ना 1 मिनट के लिए रिकॉर्डिंग बंद करो, मुझे एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट बोलनी है। वापस कर ले, चलो इलस्ट्रेशन नंबर 11 देखो आप सब लोग। अगर जिसके पास बुक नहीं है कोई बात नहीं, मैं क्वेश्चन को पढ़ लूंगा और नोट करूंगा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पी एंड क्यू आर पार्टनर्स, पी और क्यू दो पार्टनर है, एक पी है और दूसरा क्यू है। दे शेयर प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 2:1, तो इनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो 2:1 है। एज पर पार्टनरशिप डीड दे आर टू गेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 10%। तो मैं साइड में लिखूंगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना देना है। टेन परसेंट जब कुछ नहीं लिखा है 10%, तो मतलब पर एनम, बट यहाँ पे लिखा भी है 10% पर एनम। देयर कैपिटल्स वायर, अब इनकी कैपिटल्स कितने हैं दोस्तों? पी को है 50,000, क्यू को है 30,000। तो पी की कैपिटल है 50,000, क्यू की कैपिटल है 30,000। देयर प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट वॉज 10,100। प्रॉफिट कितना है बिफोर इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10,100। इंटरेस्ट इज अलाउड एज चार्ज, और आप उसमें क्या, इंटरेस्ट जो है, इंटरेस्ट क्या है, यहाँ क्या है क्वेश्चन में चार्ज लिखा क्या है, चार्ज मतलब देना ही देना है। व्हाट डिफरेंस विल इट मेक इफ द प्रॉफिट्स आर 7,100? तो दो क्वेश्चन है। पहला केस है, डिस्ट्रीब्यूट प्रॉफिट्स जैसे नॉर्मली आपको करना है, ठीक है ना? पहला केस क्या बनेगा, आपको प्रॉफिट्स डिस्ट्रीब्यूट करने हैं नॉर्मली जैसे होगा। 1 मिनट वेट करना, ठीक है? एक केस है कि आपको प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करने हैं। अब सबसे पहले आप क्या करोगे, इसको आप सॉल्यूशन करोगे तो कैसे करोगे? कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है? अब मुझे बताओ पी का कितना मिलेगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल? 50,000, 5,000 मिलेगा इसको। 50,000 इंटू 10% इंटू टाइम क्या है, 1 या 12 बाय 12, तो पी को मिलेगा 5,000 और क्यू को मिलेगा 30,000 3,000, इंटू हाँ 10% इंटू 1, 3,000। टोटल कितना हो गया, 8,000। 8,000। अब मुझे बताओ कुछ मुश्किल है करना, आपके पास प्रॉफिट कितना है?
10,100 है। 10,100, तो हाँ उसमें से लेस करोगे इंटरेस्ट ऑन 8,000। कैपिटल, कितना हुआ 8,000, पीछे कितना बचा 2,100, 2,100। उसको 2,100 कैसे डिस्ट्रीब्यूट करोगे? टू वन रेशियो में। 2:1 रेशियो में। तो पी को कितना मिलेगा 1,400 और क्यू को कितना मिलेगा 700। 700। तो यहां तक ठीक है यस जी। सर, जी सर। अब मुझे बताओ, अब दूसरा पार्ट क्या लिखा था क्वेश्चन का? अगर प्रॉफिट होंगे 7,100, अगर आपके प्रॉफिट जो है वो कितने हैं? 7,100, 7,100। अगर आपका प्रॉफिट है 7,100, ऊपर इंटरेस्ट कितना आया था? 8,000। इंटरेस्ट आपका था 8,000। कैसे? पी और क्यू का, पी का 5,000 था, क्यू का 3,000 था। इस केस में आप क्या करोगे? ये 7,100 जो है, इन दिस केस बताओ, मैंने अभी बोला था ये प्रॉफिट्स और डिस्ट्रीब्यूटेड इंटरेस्ट इंस्टीट्यूशन, ऑन कैपिटल हाँ रेशियो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इंटरेस्ट के, ऑन यही कैपिटल था कि रेशियो में नहीं, तो कुछ और था? यही था। यही था कि कुछ और था? सर यही था क्या? अगर प्रॉफिट इज इंस्टीट्यूशन डिस्ट्रीब्यूटेड, होगी दिस इज अ प्रॉफिट को चार्ज अगेंस्ट द डिस्ट्रीब्यूट प्रॉफिट, नॉट अप्रोप्रिएशन। जो आप प्रॉफिट, भूल बोल रहे हो वो अप्रोप्रिएशन के वक्त था। अभी वाला फ्लो चार्ट देखो जो मैंने दिखाया था। तो चार्ज है जी प्रॉफिट हाँ, इनसफिशिएंट, वो मैंने फ्लो चार्ट का बताया था। अगर प्रॉफिट्स इनसफिशिएंट है अप्रोप्रिएशन के वक्त, तो इस केस में कॉल कर लेता। अगर अप्रोप्रिएशन होता, बच्चों क्वेश्चन में लिखा था इट्स अ चार्ज, कैपिटल रेशियो में देंगे। कैपिटल रेशियो में हाँ देंगे। अगर कैपिटल रेशियो चार्ज मतलब है डीड मतलब में क्या होगा हुआ? ना, अगर लास्ट होगा सर, चार्ज है तो देना ही देना है इंटरेस्ट ऑन डीड कैपिटल। डीड डीड में होगा ना, में लिखा है ना इट्स अ चार्ज, पढ़ो तो सही क्वेश्चन। वेरी 900 लॉस होगा इक्वल टू गुड, किसने बोला ये पोजीशन बात? ऑन इस ताहिर केस भैया, फर्स्टली वी विल गिव इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8,000 टू पार्टनर्स पी एंड क्यू। ये जो मैंने लिखा था ना, ये सिर्फ तुम लोगों को कंफ्यूज करने के लिए लिखा था। तो पी को मिलेगा 5,000, क्यू को मिलेगा 3,000। एंड सिंस इट इज ए चार्ज अगेन इज द प्रॉफिट, इट विल बी डेबिटेड इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। पीछे क्या होगा? 7,100 माइनस 8,000 कितना हुआ? 9,000 900 का लॉस होगा, 900 का लॉस होगा। देयर विल बी लॉस ऑफ 900 विच विल टू डिस्ट्रीब्यूट बी ट्रांसफर टू कैपिटल्स ऑफ पी एंड क्यू इन पीएसआर। तो पीज शेयर ऑफ जो लॉस होगा 600 900 इंटू 2/3 इक्वल 600, और क्यू शेयर ऑफ लॉस 300 900 इंटू 1/3 विच इज इक्वल 300। आपका एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था और आप सब इसमें 1 मिनट के लिए कंफ्यूज हो गए, क्योंकि आपको लगा अप्रोप्रिएशन वाला है। ये गलती आपकी एग्जाम में भी हो सकती है। तो आपको समझ आया क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन चार्ज का था। अगर क्वेश्चन अप्रोप्रिएशन का होता तो इस केस में हम क्या करते? अगर प्रॉफिट इनसफिशियंट होते तो अप्रोप्रिएशन था तो 7,100 को डिस्ट्रीब्यूट करते 5:3 रेशियो में, ठीक है? बट सिंस ए चार्ज है, इतने हमें इंटरेस्ट ऑफ कैपिटल देना ही देना है, चाहे सफिशियंट है इनसफिशियंट है प्रॉफिट। तो 8,000 दे दो, 7,100 में से 8,000 गए, तो नेट आपके पास क्या मिला? आपके पास 900 का लॉस मिला, और उस लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करोगे आप इन प्रॉफिट शेयर रेशियो, ठीक है? यस सर, यस आज सर। मैंने आपको एक ही क्वेश्चन कराया, आपको कोई होमवर्क नहीं है, आप एंजॉय करो, आराम से रिलैक्स करो। कल मैं और क्वेश्चन कराऊंगा, कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन कराऊंगा। बट अगर आप में से खुद कोई इतना क्यूरियोसिटी है, वो बोलेगा मैं क्वेश्चन करूंगा खुद ही घर में, तो बहुत यस अच्छा सर, रहेगा। बट मेरी तरफ से कोई बर्डन नहीं है। अब आप खुद से जितना करना चाहो, हमारे क्वेश्चन नंबर 18 तक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पर ही है। आप ऐसे अपनी मर्जी से रख के करो, क्योंकि अगर आप खुद से करोगे क्या होगा, आपको अगर डाउट्स आएंगे तो आप कल कोई पूछ सकते हो, सर ये मुझे समझ नहीं आया, या आपको क्यूरियोसिटी रहेगी कि ये क्वेश्चन मुझे नहीं आया, मैं देखूंगा सर कैसे कराएगा। तो आपको ना याद रहेगा, कभी नहीं भूलेगा।
अगर कोई रिलैक्स होना चाहता है वो उसके मेरी तरफ से कोई होमवर्क नहीं है, मैं कल परचेस कराऊंगा, बट अगर आप खुद से ट्राई करोगे तो आपको ज्यादा अच्छी लर्निंग हो जाएगी, और वो ज्यादा अच्छी बैलेंस शीट का जब जो है ना आपकी डेली बेस क्वेश्चन, पे हो जाएगी ना, तो एक टाइम आएगा 3 इयर्स 5 इयर्स डाउन द लाइन आप बाकी बीट से अलग निकल जाओगे। सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का जो क्वेश्चन है ना 15 हाँ बैलेंस शीट का, अगर हाँ हाँ इसमें कोई प्रॉब्लम हुई तो मैं आपको बोल देती हूँ उस टाइम। मैं बच्चा बोल रहा हूँ, आप सारे क्वेश्चन करो, जो भी आपको प्रॉब्लम हो गई आएगी आप कल तक का वेट कर देना, क्योंकि कल मुझे आप क्वेश्चन में क्लास में ही बोलना कि सर ये चीज नहीं हुई, नहीं हुई तो मैं अलग से करा दूंगा, ठीक है। ठीक है, चलो ठीक आज है, की आज का सेशन हम क्लोज करते हैं, ठीक ठीक है सर। है।